वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आप देख रहे हैं रोहित खन्ना फिटनेस। मैं हूं रोहित खन्ना आपका दोस्त। आज एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं एक मास्क ने यूज़ करके आपको उसके रिजल्ट के बारे में बताने वाला था कि वो अच्छा है या नहीं है। और वैसे ही मैंने जिंदगी में कोई मास्क ने यूज़ नहीं करा था, तो मैं फर्स्ट टाइम मास्क ने यूज़ करने वाला था कि आपको मैं रिजल्ट बता सकूँ कि वाकई जो मास्क ने होते हैं वो वर्थ होते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत से सवाल आते थे कि वे प्रोटीन खरीदें या मास्क ने खरीदें, तो मैंने कोई मास्क ने यूज़ करा नहीं था क्योंकि मैं ऑल ओवर ईयर राउंड आपको बताया था कि मैं लीन बॉडी रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक मास्क ने ट्राई किया जाए, खुद पे ट्राई किया जाए, ताकि मैं आपको जो जेन्युइन रिजल्ट्स हों वो बता सकूं। सो गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं मसल ब्लेज का मास्क एंड डबल एक्सल यूज़ करने वाला हूं और उसको मैं यूज़ करूंगा लगभग 40 दिन, फिर आपको बताऊंगा कि उसने मेरे पे क्या रिजल्ट दिखाया। क्योंकि मेरी बॉडी एक्टोमॉर्फ नहीं है, मैं एंडोमेसोमॉर्फ हूं। आप कह सकते हैं मैं वेट पुट ऑन बहुत जल्दी कर लेता हूं और फैट लॉस बहुत जल्दी कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने कोशिश की कि मैं इसको अपने ऊपर ट्राई करके देखूँ, बट मैंने आपको जैसे बोला था कि इसमें 40 सर्विंग है, मैं 40 डेज ट्राई करूँगा, बट मैं इसको 40 डेज यूज़ नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ इसको 20 दिन ही यूज़ किया और मैंने इसको बंद कर दिया। क्योंकि गाइस, इससे क्या हुआ कि जैसे मैं आपको अपनी कंडीशन बता चुका हूँ कि मैं एंडोमेसोमॉर्फ हूँ। मास्क में यूज़ करने से पहले हम सोचते हैं कि ये हमारे साइज़ को पुट ऑन जरूर करेगा, तो नो डाउट इसने मेरा साइज़ पुट ऑन किया था। बाकी बॉडी बात छोड़े, अगर मैं अपने आर्म्स की बात करूं, सबसे पहले हम अपने आर्म्स के साइज़ को ही देखते हैं कि बड़ा है नहीं बड़ा। तो अगर मैं अपने आर्म्स की साइज़ की बात करूं, तो इसने मुझे उसमें एक इंच तक मुझे साइज़ मेरा गेन कर दिया था। बट उसके साथ क्या था कि मेरी डाइट भी बहुत अच्छी थी, मैं खुद को कैलिक सरप्लस में रखा हुआ था और साथ में मैं क्रिएटिन भी यूज़ कर रहा था, मल्टीविटामिन वगैरह भी यूज़ कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी आर्म्स का साइज़ तो एक इंच बड़ा, बट जो मेरी लोअर बेली थी वहाँ पर मुझे थोड़ा सा फैट आ गया, तो उसकी वजह से मुझे ये बंद करना पड़ा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं ऑल ओवर ईयर अराउंड 10-12% बॉडी फैट परसेंटेज के अराउंड रहता हूँ, तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे लोअर बेली पे फैट आए। सो गाइस, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था वो ये वाला था, मास्क एंड डबल एक्सेल। आपको दिखा देता हूँ, मैंने सिर्फ 20 दिन ही यूज़ किया है, अभी मेरे पास कितना बाकी पड़ा हुआ है, तो आई थिंक अभी मैं इसको आगे यूज़ नहीं करूँगा। ये देखिए आप, अभी भी आधा टब पड़ा हुआ है। अगर कोई भाई अमृतसर से है, किसी ने लेना हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले, मजाक कर रहा हूँ भाई। और अभी मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में अपने बॉडी के ड्रग्स दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आपको क्या बताऊँ, अभी मैं सुबह जिम जाने वाला हूँ, तो मैं सोचा जाने से पहले ही वीडियो बना दूँ। 7:15-7:30 के बीच का टाइम है और टेम्परेचर है 3-4 degrees, तो कपड़े उतारना तो बेवकूफ़ी है, बीमार हो जाऊँ क्या फ़ायदा। सो ये बात अलग हुई, हम आते हैं अपने टॉपिक में वापस कि मैंने मास्क को बता दिया है कि मैंने बंद क्यों कर दिया। तो बट एक चीज़ है गाइस कि अगर आप एक्टोमॉर्फ, आपको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस मास्क के साथ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपको हेल्प जरूर करेगा। अगर आपको 2400-2500 के बीच अगर आपको 40 सर्विंग्स मिलती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके 40 डेज निकल जाएंगे, 2 सर्विंग भी लेते तो आपके 20-22 दिन निकल जाएंगे। तो मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि मास्क गेनर वर्थ है या नहीं है। क्या मास्क गेनर मेरे अकॉर्डिंगली वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आपको काब्स ही चाहिए तो काब्स आपके आसपास वैसे ही बहुत होते हैं। आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, स्वीट पोटैटोज, वाइट पोटैटोज, ये सब चीज़ें आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको काब्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। बट फिर भी अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, आपको ये सब खाने के बावजूद भी आपका साइज गेन नहीं हो रहा, आपका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा, तो फिर आप अपनी डाइट में मास्क गेनर ऐड कर सकते हो, तो ये आपके लिए रियली हेल्पफुल हो सकता है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वे प्रोटीन ज़रूर लें और काब्स अपने किचन में से ही पूरे करें। बट फिर भी अगर आपको पुट ऑन करने में मुश्किल होती है, तो आप मास्क गेनर ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा खा नहीं सकते, कई लोग होते हैं ज़्यादा खा नहीं सकते, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो उसके वैसी कंडीशन में आप अगर मास्क में ऐड करते हो, तो आपको जस्ट 2 स्कूप डालने होते हैं पानी में या मिल्क में घोल के पीने होते हैं, तो आपकी कैलरीज सरप्लस हो जाती है, आपको कैलरीज मिल जाती हैं, वहाँ ही आपको फ़ायदा कर सकता है। तो ये था मेरा एक क्विक रिव्यू मसलब्लेज मास्क गेनर डबल एक्सल के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा नीचे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मुझे मैसेज कीजिए अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा फेसबुक पेज है उस पर लाइक कीजिए,
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जाने से पहले आप सबको कहना चाहूँगा मैरी क्रिसमस टू एवरीवन और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कोई भी डाइट कर रहे हो यार, एक दो दिन के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करो। एक साल के बाद ये चीज़ें आती हैं, साल में एक बार ये चीज़ें आती हैं, तो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो, बाहर पार्टी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं हैप्पी न्यू ईयर से पहले मैं वीडियो डाल पाऊँ ना पाऊँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। अब देख सकते हो कितनी ठंड।